अगले महीने पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात का मंच शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन बन सकता है। दरअसल 10 नवंबर को रूस में SCO सम्मेलन होना है। SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है और यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से होने वाला है। इस बैठक में चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों ही देशों के सर्वोच्च नेता सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों पड़ोसी देशों के नेताओं से भी पीएम मोदी का आमना सामना हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ग्लोबल मंच में रूस की मध्यस्थता से दक्षिण एशिया में शांति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार कह रही है कि फरवरी तक कोरोना के महज 40,000 एक्टिव केस रह जाएंगे, लेकिन सरकार की ओर से नियुक्त किए गए पैनल के मेंबर और IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि फरवरी तक देश की 50% आबादी कोरोना संक्रमित हो जाएगी। उनके मुताबिक फिलहाल 30% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि पैनल का ये भी कहना है कि इससे महामारी को रोकने में मदद भी मिलेगी। इससे पहले सरकार की ओर से करवाए गए सीरो सर्वे में सितंबर तक 14% लोगों के ही कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई थी। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व CM और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर कमलनाथ से जवाब मांगा है। NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में कमलनाथ को पत्र भी लिखा है, जिसमें आयोग ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बताया है। उधर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि मंगलवार शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके आधार पर आयोग आगे का निर्णय लेगा। हालांकि खुद कमलनाथ ने सोमवार को ही इस मामले में खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान किसी को असम्मानित लगा हो तो मुझे खेद है। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि BJP अपनी हार को देखकर इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन वे इसे सफल नहीं होने देंगे। मंगलवार से बिहार चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है। तय प्लान के मुताबिक आदित्यनाथ बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले 6 दिन में 18 रैलियां करेंगे। शुरुआत मंगलवार दोपहर 1 बजे कैमूर जिले की अरवल विधानसभा में जनसभा से होगी। इसके बाद योगी रोहतास के काराकाट में रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद स्थानीय यूनिट की तरफ से योगी आदित्यनाथ की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में उनसे प्रचार करवाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल से शिवसेना तो खफा है ही, अब वरिष्ठ नेता NCP प्रमुख शरद पवार भी उनके कामकाज से नाराज नजर आ रहे हैं। अपने एक ट्वीट के जरिए पवार ने कहा है कि कोई भी स्वाभिमान वाला व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से फटकार लगाए जाने के बाद राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे देता। पवार बोले कि अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा राज्यपाल कभी नहीं देखा है। एक राज्यपाल को कार्यालय की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, उनसे CM कार्यालय की गरिमा बनाए रखने की भी उम्मीद है। पवार ने अमित शाह की तरफ से भगत सिंह कोश्यारी को फटकारे जाने को भी सही बताया है। सोमवार सुबह पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत के साथ शुरू हुआ सियासी ड्रामा रात तक भी जारी रहा। विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले बिल की कॉपी ना मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए और ये धरना रात में भी जारी रहा। जमीन पर बैठे इन विधायकों की खाना खाते और विरोध प्रकट करते हुए की तस्वीरें सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अमरिंदर सरकार पंजाब और पंजाब के किसानों के साथ फरेब करने की तैयारी में है और उसके कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार से साठगांठ हो चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र के नए लागू किए कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें इन कानूनों के खिलाफ विधेयक पास करने की योजना है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी यानी EPCA ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वो उन थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए तैयार रहें जो 2015 के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। EPCA के प्रमुख भूरेलाल ने कहा, अगर हवा की क्वालिटी और बिगड़ती है तो हमें थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने का निर्देश देना पड़ सकता है। हरियाणा में जिन प्लांटों को चिन्हित किया गया है उनमें झज्जर का अरावली पावर प्लांट, पानीपत का TPS, हिसार का राजीव गांधी TPS और यमुनानगर का यमुना TPS थर्मल पावर प्लांट शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जिन पावर प्लांट्स को बंद किया जा सकता है
उनमें नोएडा का एनसीटीपीपी दादरी स्टेज 1 और अलीगढ़ में हरदुआगंज टीपीएस शामिल हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि पंडालों के अंदर सिर्फ आयोजकों को रहने की इजाजत होगी और दर्शन करने वालों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं बड़े पंडालों के लिए आयोजकों की तादाद 25 और छोटे पंडालों के लिए 15 तय की गई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी बड़े पंडालों को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि छोटे पंडालों के लिए बैरिकेड की दूरी 5 मीटर तय कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर पंडालों में काफी भीड़ रहती है। कोरोना के वक्त इस फैसले को अब खासा अहम माना जा रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों की वजह बने सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी सीएए को मोदी सरकार जल्द लागू करेगी, ऐसा कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। सोमवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और हम जल्द ही इसे लागू करेंगे। इस कानून में 3 पड़ोसी देशों से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत को ऑस्ट्रेलिया के रूप में एक नया साथी मिला है। इस साल के आखिर में मालाबार में होने वाले नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। इसके लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक निमंत्रण भी भेजा है। नवंबर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चारों देश अपनी नेवी के साथ इस युद्धाभ्यास में शरीक होंगे। साल 1992 में भारत और अमेरिका के बीच इसे शुरू किया गया था, फिर साल 2015 में जापान और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए हैं। चीन को लगता है कि ये युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।